तो अपने अंदर के जुनून को और भड़का, जलने के लिए लोग हैं। ये नया शेर नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया ये शेर, क्योंकि ये स्पेशली लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। हम जो बच्चियां होती हैं, छोटी होती हैं, तो कॉन्फिडेंस की कमी हमें हमेशा, मैं समझती हूँ 80% लड़कियों में होती है। हम लोग पढ़ते हैं, स्कूल भी आते हैं, घर में भी आजकल वो माहौल है कि बच्चियों को काफी तरगीब दी जाती है कि वो पढ़ाई करें, कुछ बने, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनहेरेंटली, क्योंकि एक हिस्टोरिक बर्डन है और बहुत सालों से औरतें जो हैं उनको एक ना एक किसी सोशल या किसी और रीजन की वजह से पीछे रही। बहुत सारे ऐसे फील्ड्स में नहीं आ पाई जहां पर लड़के बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आज खुदा का शुक्र है कि लड़कियां भी हर फील्ड में आ रही हैं। और मैं चाहती हूँ कि बारामूला की हर लड़की, और बारामूला ही क्यों, पूरे हमारे जितने भी लड़कियां जहां पे भी रह रही हैं, वो अच्छा परफॉर्म करें। स्पेशली क्योंकि मैं आप लोगों की डिप्टी कमिश्नर हूं, तो मैं तो ये चाहूंगी कि हमारी जो बच्चियां हैं वो भी हर शोबे में आगे से आगे बढ़े और ये दिखा दें कि उनमें भी खुदा ने वही जो है टैलेंट रखा हुआ है जो किसी भी और मर्द या औरत में जो है पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी में ज्यादा है, किसी में कम है। मैं ये समझती हूँ कि खुदा ने जब इंसान बनाया तो उसने वो जो एबिलिटीज थी, वो जो टैलेंट था, हर एक में दिया, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। लेकिन फर्क कहाँ आ जाता है, जब आप अपने हुनर को पहचानते नहीं है और जब आप अपनी जो है कुवतों को और अपने टैलेंट को निखारते नहीं। इसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये कि आप में खुद में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कुछ कर सकते हैं। ऐसे हमने एग्जाम्पल्स देखे कि कुछ बच्चे जो हैं जो शायद क्लास में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे या एकेडमिक्स में, पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो कुछ शायद टीचर भी कह लेते हैं या पेरेंट्स कह लेते हैं ये तो कुछ नहीं करेगी जिंदगी में, या ये आगे इसको पढ़ाना नहीं है, इसको जो है ये उस लायक नहीं है, या ये इसमें उतना टैलेंट नहीं है। ये गलत चीज है। और मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, आप सब यूनिक है, हर एक फर्द यूनिक है, हर एक को खुदा ने अगर बनाया है इतनी गैलेक्सीज में, इतने सोलर सिस्टम्स में, हमारी अर्थ पे ही अगर जिंदगी है और उसमें हम अशरफुल मखलूकात हैं, हम जो इंसान है वो सबसे बड़ी जो क्रिएशन है खुदा की वो है, तो उसमें हमें हर एक को ये समझना है कि हम हर एक में वो एक टैलेंट है, वो एक एबिलिटी है जिससे हम अपने लिए ही नहीं, अपनी फैमिली के लिए ही नहीं, सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकते हैं। तो वो पहली चीज है कॉन्फिडेंस। और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है गाइडेंस, डायरेक्शन। डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं और जैसे आप बच्चियां हैं, तो जब हम स्कूल में भी पढ़ते हैं तो हमें इतना कुछ पता नहीं होता कि ये क्यों हमें बोल रहे हैं कि सारे आगे आके हमें लेक्चर दिए जा रहे और ये कह रहे हैं कि ये करो वो नहीं करो। बुरा भी लगता है कि हर कोई हमें आके समझा ही रहा है, ये करना है, ये पढ़ना है, ऐसे बात करनी है, ऐसे चलना है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये गाइडेंस एक तरह से जरूरी भी है, क्योंकि जब तक गाइडेंस नहीं होगी, जब तक डायरेक्शन नहीं होगी, तो आप एक रडरलेस शिप की तरह हो कि आप किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे। और ये डायरेक्शन को पाने के लिए लोग कहाँ कहाँ पहुंचते, मतलब जो भी कुछ जिंदगी में अचीव कर पाया है, कुछ बन पाया है, उसने कोई ना कोई गुरु जो है, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, चाहे वो हमारे एकेडमिकली हो या किसी भी फील्ड में, उसको आइडेंटिफाई किया है। और आज ये इम्पोर्टेंट और आसान भी है, क्योंकि हमारे पास क्या है, इंटरनेट, और इंटरनेट के जरिए हम बहुत सी अच्छी चीजें भी ढूंढ सकते हैं जो शायद पहले अवेलेबल नहीं थी। ये दो साल कोविड में आप लोगों को पता है कि किस तरीके से क्लासेस भी ऑनलाइन हो गई। तो हर चीज के दोनों फ्लिप पॉइंट्स भी हैं, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज मैं जो आप सबसे बात करना चाहती हूँ वो है कि आज का जो दौर है, मैंने बच्चियों में हमेशा देखा ये चीज, बच्चों में, सिर्फ बच्चियों में नहीं, कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या होता है कि अभी क्लिक किया तो हमें अभी चीज चाहिए, कुछ मांगा, कुछ हमें चाहिए तो अभी चाहिए। और अगर कोई नाकामयाबी आ जाती है, जैसे कोई एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, या कोई चीज चाहिए थी वो नहीं मिली, या किसी में पार्टिसिपेट किया था उसमें आप नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो हम क्या हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। आज हमें वो सबर ही नहीं है, वो पेशेंस ही नहीं है कि कुछ भी हासिल करने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए आपको बहुत मेहनत की जरूरत है। जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कि ये तो एक दिन में स्टार बन गए,
तो वो स्टार जो एक दिन में बनते हैं वो फिर ओवरनाइट फेलियर्स भी वही हो जाते हैं। आपको अगर दायमी सफलता चाहिए, दायमी अगर आपको सक्सेस चाहिए, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। और आज मुझे लगता है टीचर्स का ये फर्ज है, हमारे पेरेंट्स का ये फर्ज है कि बच्चों को ये समझाएं कि हर अच्छी चीज के पीछे बहुत मेहनत लगती है। मैं अगर आपको अपनी एग्जाम्पल दूं तो मैं जब आपकी उम्र की थी तो मुझे भी ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि किसी दिन मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूंगी। लेकिन हाँ, ये इच्छा जरूर थी, ये ख्वाहिश थी कि मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे कुछ ऐसी चीज करनी है जो शायद किसी ने नहीं की, तो वो मेरी एक मोटिवेशन बनी। आप लोगों को अपनी मोटिवेशन खुद ढूंढनी है कि आप क्या करना चाहते हैं जिंदगी में। कुछ लोगों की ये मोटिवेशन हो सकती है कि मैं अपने घर वालों के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ उनका नाम रोशन। कुछ लोगों की ये मोटिवेशन हो सकती है कि मैं अपने इलाके में, मेरे इलाके में बहुत गरीबी है, मेरे इलाके में औरतों के खिलाफ बहुत वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है उनको, मतलब कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे बताया कि हमने देखा है घरों में अपने माओं बहनों को मार पड़ते हुए, या उनके खिलाफ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी सोसाइटी में शायद पहले नहीं थी लेकिन अब वो बढ़ गई। तो वो भी एक मोटिवेशन हो सकती है कि मैं कुछ ऐसा बनूं, मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं, उन औरतों का सहारा बन सकूं। तो आप सबको मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको अपनी मोटिवेशन सबसे पहले तलाश करनी होगी कि आप कुछ करना क्या चाहती है जिंदगी में। अगर ये जिंदगी मिली है उसमें मैक्सिमम पार्ट आपका जो है पहले 20-25 साल पढ़ाई में गुजर जाते हैं, वो जो पार्ट है जिसमें आपको कुछ करना है सोसाइटी, वो वही 20-30-40 साल तक का ही टाइम होता है, 30-60 years, जिसमें आप कुछ कर सकते हैं, जिसमें अपने लिए, फैमिली के लिए या समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। उस पीरियड के लिए आपको तैयारी आज से ही करनी है, सोचना आज से है, और ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जो बाहर से आएगा और आपको मोटिवेट करेगा या आपको समझाएगा कि आपको क्या करना है। पहले आप में वो ख्वाहिश खुद होनी चाहिए कि मैं कुछ ऐसी चीज की तरफ जाऊं जिससे मैं कुछ बनूं भी और दूसरों के लिए भी कुछ कर सकूं। उसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शन। और सीखने का जो मादा है, मुझे लगता है हमारी आज की जेनरेशन में कम होता जा रहा है। आजकल सबको लगता है कि हमें सब कुछ पता है, क्यों? क्योंकि हम गूगल बाबा पे कुछ भी डाल देते हैं तो हमें सब चीजें निकल जाती हैं। लेकिन जो सीखना है ना, वो लास्ट तक, मतलब टिल यू डाई, जब तक आप इस दुनिया से जाते नहीं है तब तक आपको सीखने का शौक होना चाहिए कि हमें अपने टीचर से कुछ सीखना है, हमने लोगों से सीखना है, छोटे से छोटे इंसान से आप कुछ सीख सकते हैं। और अगर आप सीखेंगे नहीं तो यू विल बी डेड देयर। जो इंसान सीखता नहीं है वो ग्रो नहीं करता, और जो ग्रो नहीं हो रहा वो कम हो रहा है, जो बढ़ नहीं रहा वो कम हो रहा है। ठीक है, अगर आपकी नॉलेज बढ़ नहीं रही तो क्या हो रही है? कम ऑटोमेटिकली हो रही है। तो मुझे ये लगता है कि हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे जो हैं आजकल, जो वो चीज आ गई कि हमें सब कुछ, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा जो है सोशल मीडिया पे रहते हैं, बहुत ज्यादा टीवी वगैरह पे रहते हैं, और उनको लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है, वो चीज भी खतरनाक है। आपको लर्निंग एबिलिटी जो है वो हमेशा रहनी चाहिए। आपको इस उम्र में तो पढ़ाई करनी ही करनी है, लेकिन स्पोर्ट्स की तरफ भी जाना चाहिए। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, फिजिकल वेलबींग आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ना ही सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए बल्कि आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेंटल हेल्थ एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैं प्रिंसिपल साहब से और सीईओ साहब से कहूंगी कि मेंटल हेल्थ पे और करियर काउंसलिंग पे हमेशा आपके सेशंस जो है, चाहे वो वीकली